आज हम मैथ्स का देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। यदि हम किसी नंबर को 1/2 से माइनस करते हैं और जो उसका रिजल्ट मिलता है हम उसको 1/2 से इंटू करते हैं, यू गेट 1/8, तो हमको कितना मिलता है? 1/8। वॉट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है? हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले वो नंबर देखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। हमने उस नंबर को कितना माना? एक्स। अब हम क्वेश्चन से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो नंबर है, नंबर क्या है हमारा x, उसको माइनस करना है 1/2 से और इस नंबर को इंटू करना है 1/2 से, तो हमको कितना मिलता है? 1/8। अब हम इसको इंटू कर देंगे, तो 1/2 का इंटू x में करेंगे तो x 2 होगा, माइनस 1/2 का इंटू 1/2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4। अब 2 से 4 को काटेंगे तो कितना होगा? 2 1 2 और 2 2 4। अब इस 2 को इस x में इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4 1 4, तो यहाँ कितना बचा? 1। उस 1 को इस 1 से इंटू कर देंगे तो कितना होगा? 1 इज इक्वल टू 1/8। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1 को यही रहने देंगे, ये 4 इसके अपॉन में है तो इधर जाके वो 1/8 के इंटू में हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8। अब हम क्या करेंगे, 2x को यही रहने देंगे इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा? 1/2। अब इस माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो यहाँ ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके पास कुछ नहीं है तो एलसीएम कितना होगा? 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, तो 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2 का इंटू 1 से करेंगे तो कितना होगा? 2 1 2। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इस x को यही रहने देंगे और ये जो इंटू का 2 है वो हमारा कहाँ चला जाएगा? अब क्या होगा, जो हमारा ये इंटू का 2 है वो यहाँ अपॉन में चला जाएगा, 3/2 इंटू 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू 3/4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका पैरीमीटर कितना है? 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी ब्रेथ है उससे 2 गुना ज्यादा है उसकी लेंथ। What are the length and the breadth of the pool? तो हम देखेंगे, हमको बताना है कि length और जो breadth है उस pool की तो वो कितनी है। हम solution में देखेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे length, let sorry हमको मानना है breadth, तभी हम length निकालेंगे। let the breadth of swimming pool
बी एक्स कितनी है स्विमिंग पूल की ब्रेथ? एक्स है। अब हम देखेंगे लेंथ, इसे हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कितनी मानेंगे हम? बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब उसकी लेंथ है 2 मीटर यानी 2x। किससे है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ उसकी x है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 2x प्लस 2। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो उसका पैरीमीटर है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना है? 154 मीटर। तो हम निकाल लेते हैं उसका पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमको। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी? 2x प्लस 2 और ब्रेथ कितनी है? x मीटर। और पैरीमीटर हमको कितना दिया? 154 मीटर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अंदर वाला कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 2x और ये x कितना हो गया? 3x प्लस 2। अब इस 2 से ये दोनों को इंटू कर देंगे, 2 3 6x प्लस 2 2 4, 154। इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ प्लस का ये जाके माइनस का हो जाएगा। अब 154 में से माइनस 4 कर दिए तो 150 बचा इज इक्वल टू 6x। 150 यहाँ वैसा का वैसा ही रहेगा और 6x जो 6x के इंटू में है वो यहाँ जाके अपॉन में हो जाएगी इज इक्वल टू x। अब हम इस 6 से 150 को डिवाइड कर देंगे, 6 1 6, 6 2 12, यहाँ कितना बचा? 3, 3 और 0 यानी 30 बचा, तो 6 5 30 होता है। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 25 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको क्या करोगे आप? जो एक्स की वैल्यू आई है वो आपको कहाँ पुट करना है? ब्रेथ में और लेंथ में। तो ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है एक्स, तो आप यहाँ x की वैल्यू कितनी आई है वो लिख लोगे। लेंथ, लेंथ है आपकी 2x प्लस 2, यहाँ पे भी आप x की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ आपका ब्रेथ का आंसर आ जाएगा और यहाँ लेंथ का, तो आपको दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल जाएगी। तो इतना आप अपनी कॉपी में कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 करना नहीं है, एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4th। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबरों का सम कितना है? 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, जो पहला नंबर है उसको जोड़ने पर दूसरा नंबर बनता है, कितना बनता है? 15। फाइंड द नंबर, तो हमको वो नंबर फाइंड करना है। हम देखते हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर मानेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, बी एक्स, पहला नंबर क्या हमारे पास एक्स, फिर उसके बाद देन द अदर नंबर, अदर नंबर क्या है हमारे पास, क्या बोला है एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस 15, तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर। अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ टू नंबर यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, तो दो नंबरों का सम यानी एक्स प्लस 15, इसका सम कितना है 95, इसका सम 95 है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, x और x कितना हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। अब इस 15 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 95, 15 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 80। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ इंटू का है, x को यहीं रहने देंगे, इस 2 को 80 के अपॉन में कर देंगे और 2 से 80 को डिवाइड कर देंगे, 2 वन सा 2, 2 फोर सा 8 और 2 जीरो से 0, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब इस वैल्यू को हम इन नंबरों में पुट अप करेंगे तो x की वैल्यू, हमको फर्स्ट नंबर की वैल्यू पता चल गई है कितनी है 40, तो अब यहाँ लिखोगे आप फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 40। ऐसे ही आपके पास जो अदर नंबर है, अदर नंबर क्या है x प्लस 15, तो x प्लस 15 आप यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करके अदर नंबर निकाल लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दो नंबर हैं रेशियो में 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स, यदि वो 18 से अलग है तो वो नंबर कौन सा है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। हमको क्वेश्चन में दिया है दो नंबर कौन कौन से हैं 5:3, तो हम यहाँ लिखेंगे द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 5x एंड 3x, कितना है 5x और 3x, दे डिफर बाय 18, डिफर बोला है यानी हमको माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5x माइनस 3 कितना बोल रहा है 18 इज इक्वल टू 18, 5x में से 3x माइनस कर देंगे तो 2x बचेगा इज इक्वल टू 18, अब इस 2 को 18 के अपॉन में कर देंगे, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, इस 2 से 18 को डिवाइड कर देंगे, 2 वन सा 2, 2 नाइन सा 18, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को ये दोनों रेशियो में पुट कर देंगे,
तो हम यहाँ लिखेंगे रेशियोज आर। फर्स्ट हमारे पास दिया है 5x इज इक्वल टू, आप यहाँ x की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 into 9, और यहाँ उसका आंसर लिखोगे। सेकेंड क्या है रेशियो 3x, तो 3 का कैसे करोगे, 3 into 9, 3 9 से कितना होगा, आप यहाँ आंसर लिख लोगे। आप इतना कैलकुलेट करके आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनको ऐड करने में हमको 51 तक की क्या मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं, इंटीजर्स मिलते हैं, यानी व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स कौन से होंगे हमको फाइंड करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है या आप लोग खुद करेंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।